वोटिंग। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपदों को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त कराने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार के इन मंसूबों पर नव आगंतुक पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जनपद मैनपुरी को अपराधहीन बनाने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए नई नई पहल करने में खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पहल के चलते पुलिस अधीक्षक ने पहले अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने ही पुलिस महकमे में निगरानी दस्ता का गठन किया और अब उन्होंने एक और नई पहल शुरू करते हुए जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र के ग्रामीण नक्सलों के कोने कोने से उन लोगों को निकालकर सुरक्षा मित्र का गठन कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने जनपद में 1044 सुरक्षा मित्रों का गठन किया, जिसका शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सुरक्षा मित्रों को उनका आईजी कार्ड उन्हें वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी यह पहल एक अनोखी होगी जो ग्रामीण अंचलों में होने वाले छोटे और बड़े अपराधों पर निगरानी रखेंगे। इसके बाद जनपद में बने सुरक्षा मित्रों के पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जनपद मैनपुरी में अपराधी किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन पर हम सबको मिलकर लगाम लगानी होगी, तभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। देखो, आपका मैनपुरी जिला जो है इसमें बहुत पहले से ये डाकुओं से प्रभावित इलाका रहा है। 10 से डाकू रहे हैं, तमाम गैंग यहां रहे हैं। यहां से निकल के बच के चले जाता था जो आदमी, चिंता तनाव ये जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम लोग आज इन्हें एकत्रित हुए हैं। ये सब जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, उसको घटाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा सोच के लिए हम लोग यहां आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग मिल करके कुछ कर सकते हैं क्या, उसके लिए हम सारे लोग एकत्रित हैं। और मुझे खुशी है और मैं आप सबको बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इस अच्छे काम के लिए जिला पुलिस के द्वारा चुने गए। तीसरी बड़ी समस्या जो यहां है वो है, आज भी इसमें बहुत सारे अपराधी हैं। बहुत सारे इलाके इस जिले में हैं जो अपराधियों से भरे। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे खतरनाक समस्या है वो यहां है दबंगई। किसकी? हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह या तोप समझता है। छोटी छोटी बातों पे आदमी अपने ईगो पे ले लेता है। अरे मैं कैसे कह दिया, जाति का नाम नहीं बोलता, लेकिन कई लोग कि हम इस जाति के हैं, हम फला जाति के हैं, हम तो राजा रहे हैं, हम तो बादशाह रहे हैं, अरे हम तो कैसे ऐसे बोलते। फिर उसमें झगड़े होते हैं, लाठी डंडे चलते हैं, पथराव होता है, फायरिंग तक होती है। और फिर अंत में सुरक्षा तो आप ही की है और आप अगर नहीं जागरूक होंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसलिए सुरक्षा मित्र का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। सर, मैनपुरी में आए हुए आपको एक महीने से अधिक समय हो गया था और अपराध पे अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा मित्र की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, हमारा जो जिला है मैनपुरी वो आपराधिक और सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील जिला है और मुझे आए करीब एक महीना से ऊपर हुआ है। मैंने ये यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, यहाँ के सभी क्षेत्रों में, सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण किया, यहाँ की समस्याओं पे पैनी नज़र रखी, आप लोगों के अखबार पढ़े और सभी संभ्रांत लोगों से बात की। उसके बाद हमारा निष्कर्ष ये निकला कि जब तक हम जनता से जुड़ेंगे नहीं, जनता को अपना मित्र नहीं बनाएंगे, गांव-गांव में हमारी पैठ नहीं होगी, गांव-गांव में लोग हमारे अपने नहीं होंगे, तब तक हम जो यहां पे समस्याएं हैं, जैसे कि शराब की समस्या है, अवैध शराब की समस्या है, जैसे महिला उत्पीड़न की समस्याएं भी आती रहती हैं और दबंगई की यहां बहुत बड़ी समस्या है, दबंगई की उसकी समस्या है, जुआ सट्टा नशा की समस्या है, तो उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे? इसके लिए हम पब्लिक से जुड़ रहे हैं, पब्लिक को अपना मित्र बना रहे हैं, इसमें सभी जाति धर्मों के लोग हैं, सभी नौकरीशुदा लोग हैं, इसमें पेशे से किसान लोग भी हैं, हमारे ठेला लगाने वाले लोग भी हैं,
हर तबके का लोग इसमें शामिल है, स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, सभी लोगों को इसमें जोड़ा गया है और 1044 की संख्या में की सूची फाइनल की गई है। जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पे आए, जिनमें से 5 को अभी इसका कार्ड दिया गया है सुरक्षा मित्र का, बाकी लोगों को बाद में दिया जाएगा। और यही हमारे साथी हैं, असली साथी हैं, पुलिस की तो टीम छोटी ही होती है ज़िले में, यही हमारे साथी जब मिलेंगे, इनकी सूचनाएं हमें मिलेंगी, इनकी दुआएं हमें मिलेंगी, तो हम कई गुना अधिक ताकत से जनता की सेवा कर पाएंगे, अपराधियों पर अंकुश लगा पाएंगे, अपराधों की सूचना मिल जाएगी पहले ही, तो उसको हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर पाने में सफल हो पाएंगे। इसी दिशा में एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम इसमें जरूर सफल होंगे। सर, जैसे कि जो सुरक्षा आपने जो मित्र बनाए हैं, इन पे अगर जो दबंगों के आप बता ही चुके हैं कि जिले में दबंग ही है और इन दबंगों पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो सर उनकी सुरक्षा कैसे होगी, सुरक्षा मित्रों की? देखिए, अब अगर कोई दबंगई करेगा तो उसका अंजाम भुगतेगा। जैसा कि एक महीने में आपने देखा होगा कि मुकदमा जरूर दर्ज हो रहा है, उनमें इनाम घोषित होने की कार्यवाही हो रही है और उनको पकड़ करके जेलों में ठूंसा जा रहा है। इसमें ज़रा भी रियायत नहीं बरती जाएगी। अब जो हमारे सुरक्षा मित्र बने हैं, ये जागरूक हैं, सजग प्रहरी हैं, इनके साथ दबंगई होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और 10 गुना ताकत से उस दबंग का दमन किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।